यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेला मंदिर मौजूद है और मंदिर के पीछे गौशाला भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें हैं और इनकी सेवा की जाती है, इनको चारा वगैरह डाला जाता है। देश का पांचवा धाम कहा जाने वाला दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर भगवान विष्णु के 24 अवतार देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपको लेकर आया हूं देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर, जो कि इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर आने के लिए आप इंदौर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और इंदौर से काफ़ी ज़्यादा बसें चलती हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। इंदौर के बड़ा गणपति से आसानी से देपालपुर आने के लिए बस मिल जाती है और आप इंदौर एयरपोर्ट से भी यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप बाइक या कार रेंट पर करना चाहते हैं तो वो भी करके आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की खास बात है कि इस मंदिर का नाम गिनीज बुक में शामिल है और यहाँ पर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार और 9 दुर्गा के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करके देखते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतार। जो पीछे आप देख रहे हैं मुख्य मंदिर, उसकी ऊंचाई 125 फीट है और बाकी मंदिरों की ऊंचाई 52 फीट है। तो 24 अवतार मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या महसूस किया यहाँ पर आकर। 24 अवतार मंदिर में भगवान बहुत ही सुंदर मूर्ति ना है और बहुत ही अच्छो स्वर्ग की तरह ऐसा लगता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया धाम है, देखने काबिल चीज है और सुंदर सुंदर मूर्ति ना है, बहुत ही अच्छे लगे हैं। यहाँ पे जाने की इच्छा नहीं के मन की। तो अभी मैं मंदिर के सामने आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का श्री 24 अवतार मंदिर है। 11:30 बजे भगवान को भोग लगाया जाता है और 12:30 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद 3 बजे के आसपास मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और दर्शन चालू हो जाते हैं। यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चालू रहता है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं दर्शन के लिए। 12 बजे से 3 बजे को छोड़कर आप कभी भी आ जाइए, आपको दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के सामने आप देखेंगे यहाँ पर फव्वारे लगे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत आसपास पेड़ भी लगाए गए हैं, और वहाँ सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर शिवलिंग है भगवान शिव का। तो चलिए और पास में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवलिंग मौजूद है। भगवान विष्णु के मुख्य मंदिर के सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर बीचों बीच मुख्य मंदिर मौजूद है जहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। तो चलिए आपको पास से दिखाते हैं। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों के मंदिर का काम अभी चालू है और यहाँ पर भी मंदिर बन रहा है, आप देख सकते हैं, और आसपास काफ़ी जगह को बनाया जा रहा है और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब एक एक मंदिर आपको विजिट करके दिखाते हैं, 24 मंदिर आपको दिखाते हैं कौन कौन से भगवान के हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पहला मंदिर मौजूद है। यहाँ पर भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार श्री सनत कुमार अवतार है।
दूसरे नंबर पर है श्री गजेंद्र मोक्ष अवतार। तीसरे नंबर पर है श्री हरि धुवर देव अवतार। चौथे नंबर पर है श्री नर नारायण अवतार। पांचवे नंबर पर है श्री कपिल मुनि अवतार। छठे नंबर पर है श्री दत्तात्रेय अवतार। सातवें नंबर पर है श्री यज्ञ पुरुष अवतार। आठवें नंबर पर है श्री ऋषभदेव अवतार। नौवें नंबर पर है श्री राजा प्रथु अवतार। दसवें नंबर पर है श्री मत्स्य अवतार। ग्यारहवें नंबर पर है श्री कुर्मा अवतार। और बारहवें नंबर पर है श्री धन्वंतरी अवतार। इसके बाद यहाँ बीचों बीच मुख्य मंदिर मौजूद हैं, जहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। इसके बाद तेरहवें नंबर पर हैं श्री मनु अवतार। चौदहवें नंबर पर हैं श्री नरसिंह अवतार। पंद्रहवें नंबर पर हैं श्री वामन अवतार। सोलहवें नंबर पर हैं श्री परशुराम अवतार। सत्रहवें नंबर पर हैं श्री व्यास अवतार। अठारहवें नंबर पर हैं श्री हंसा अवतार। उन्नीसवें नंबर पर हैं श्री राम अवतार। बीसवें नंबर पर हैं श्री कृष्ण अवतार। इक्कीसवें नंबर पर हैं श्री हयग्रीव अवतार। बाईसवें नंबर पर हैं श्री वाराह अवतार। तेईसवें नंबर पर हैं श्री बुद्ध अवतार। और भगवान विष्णु का लास्ट 24 अवतार है श्री कुलकी अवतार।
थे भगवान विष्णु के 24 अवतार और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्माण कार्य अभी चालू है और मंदिर के पीछे गौशाला भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें हैं और इनकी सेवा की जाती है, इनको चारा वगैरह डाला जाता है। गाइज काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मन को शांति अनुभव होती है यहाँ पर मंदिर में आकर और भगवान विष्णु के 24 अवतार देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है और 2015-16 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इससे पहले 1981 में महाराजा परमहंस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर मंदिर की नक्काशी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गायों को डालने के लिए सुखला वगैरह है। तो अभी मैं मंदिर से बाहर निकल चुका हूं और आपको दर्शन भी करवा दिए हैं सारे भगवान विष्णु के 24 अवतारों के। जब मैं पिछली बार यहां पर आया था तो यहां पर मेला भी लगा था क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहां पर आए हुए थे और उनका परिवचन चल रहा था यहां पर, पीछे यहां पर चल रहा था। मैं उसकी फुटेज भी आपको यहां पर शेयर कर दूंगा स्क्रीन पर। और यहां पर मेला लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर। और गाइज इस मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ पर 24 अवतार सीरियल से बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर भी दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप पूरा मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर एक मंदिर है, वो समाधि मंदिर है। यहाँ पर गुरुजी ने समाधि ली थी। तो यहाँ पर 24 अवतार मंदिर में इकतासा से विजय और कुरुकी से मंगल घूमने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है और ये कब से घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पहले मंगल से बात करते हैं, इनको मतलब कैसा लगता है और कब से यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ 2-3 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पर आके, मतलब मन को आनंद मिलता है। और ये देश का 5वां धाम है, मतलब एक नंबर हरियाली है, बहुत अच्छा मन को फील होता है यहाँ पर आके।
अपने दुख दर्द सारे मतलब भूल जाते हैं, गम वगैरह जो भी कुछ होता है कहीं। पर मंदिर का पांचवा धाम है ये, आके मतलब बहुत आनंद मिलता है इस मंदिर में आके, बहुत अच्छा फील होता है। और ये देश का पांचवा धाम है और यहाँ पे मेला वेला भी वगैरह मतलब बहुत अच्छे से भराता है, अच्छे से लगता है, बहुत भीड़ होती है, आना कभी फिर ले लीजिए। अभी जैसे बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है और ये भी कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ हम कम से कम 5 साल हो गए हैं यहाँ पे आते आते। यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमें, हम मतलब 3-4 दिन में आ ही जाते हैं। और यहाँ एक बार प्रदीप मिश्रा आए थे पर बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ थी यहाँ, मतलब ये पूरा देपालपुर में ट्रैफिक जाम लग गया था तो कुछ दिनों के लिए तो यहाँ गाड़ियाँ वाहन सब बंद कर दिए गए थे। तो ये था 24 अवतार मंदिर का पूरा वीडियो, मैंने आपको दिखा दिया है और सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं और क्या कुछ यहाँ के बारे में खास है। देश का पांचवा धाम कहा जाता है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।